हेलो एवरीवन वेलकम टू एमबी क्लास है दिस इज मीनू मैम आज की जो ये वीडियो में हम लोग मैसेज देखने वाले हैं बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैसेज देने वाली हूँ ओके ध्यान दीजिएगा जो कोविड है जो कोरोना है ध्यान दीजिएगा हम लोगों के पहले तो टीका नहीं था इस टाइम जो वैक्सीन आई है जो टीका लगवाना है जो इंजेक्शन लगवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा अगर आपके लाइफ का कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है चलिए इसको मैं ऑप्शंस देख लेती हूँ जैसे मान लीजिए पहला अगर मैं ऑप्शन देख लेती हूँ बहुत लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ में पढ़ाई है क्या है पढ़ाई है ठीक है बहुत लोग बोलेंगे स्टडी है क्या है पढ़ाई ठीक है अब बहुत लोग बोलेंगे मेरा ड्रीम है ठीक है मेरा सपना है ठीक है अब बहुत लोग बोलेंगे कि मेरी करियर है ठीक है करियर और बहुत लोग बोलेंगे हेल्थ है क्या बोलेंगे हेल्थ जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य ठीक है बहुत लोग ये बोलेंगे आप एक बार सोच के देखिएगा इस टाइम हम लोग इतने बड़े मुकाम पे पहुँच चुके हैं कि हम लोग का ज़िंदा ही होना बहुत बड़ी मैटर करता है सोच सकते हैं हम लोग कहीं भी सेफ नहीं हैं आप सोच के देखिए एक बार ठीक है बहुत आप आप सोच के देखिए अगर आपका हेल्थ अगर नहीं सही होता है तो क्या आप पढ़ाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अगर आपका अगर आप अगर हेल्थ अगर आपका सही नहीं है तो आपका ड्रीम पूरा हो सकता है कभी नहीं हो सकता है अगर आपका हेल्थ नहीं सही है तो क्या लगता है आपकी करियर बन सकती है नहीं बन सकती इसलिए हेल्थ अगर आप चाहते हो अगर हेल्थ अगर आपका जरूरी हो तो आपको आपको वैक्सीन लेना ही पड़ेगा ठीक है अब मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ ठीक है अब मैंने वैक्सीन लिया तो उसके पहले लोग वैक्सीन लगवाने से आप पंद्रह बीस दिन बीमार हो जाओगे एक महीना बीमार हो जाओगे आ, कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाया कि दो साल बाद मैं आप मर जाओगे ठीक है बहुत ही अच्छे अच्छे फसने को मिले मैं सत्ताईस तारीख को टीका ली ध्यान दीजिएगा उसके बाद ज़्यादा हमें कुछ नहीं हुआ बहुत लोगों को तो हमारे फ्रेंड सर्किल में फ़ीवर भी आ रहा है ठीक है लेकिन मुझे फ़ीवर भी नहीं आया उसके बाद भी मैं अब सब किस तैयारी में थी कि नहीं फीवर का दवा वगैरह सब ला रख दी थी कि नहीं हो सकता है शायद इतने हार्ड अगर डोज अगर बॉडी में हो लग रही है तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इफेक्टिव बॉडी देगा ही बट ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है तो आप लोग लगवाएं बिल्कुल ना डरे जो भी अगर कोई डर रहा वैक्सीन लगवाने से या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ये कुछ नहीं होगा ठीक है बल्कि आप सेफ़ रहोगे और हाँ और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप घर में भी सबको आप वैक्सीन लगवाएँ क्यों आप क्यों हम बोल रहे हैं क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए अमेरिका जो कि पिछले साल आप 2020 के हाल देख रहे होंगे कितना बुरा वहाँ का हाल था ठीक है दस लाख पाँच लाख ऐसे केसेस थे आप देखिए इस टाइम वहाँ की जो गवर्नमेंट है बोल दी है कि जो दोनों डोज लगा चुका है वो बंदा मतलब वो पर्सन बिना मास्क का रह सकता है चल सकता है मार्केट में आप सोच सकते हैं तो मास्क लगाना कितना इम्पोर्टेंट है ध्यान लीजिएगा इस टाइम लाइफ का कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कुछ भी इंपॉर्टेंट चाहे कुछ भी अगर आप इस टाइम सबसे बड़ा जो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपका स्वास्थ्य है आप सोचो ना जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे जब सेपे ही नहीं रहोगे हेल्थी ही नहीं सह रहेगा तो अब क्या कर सकते हो क्या जीतोगे बताओ बेड पे पड़े रहोगे ठीक है कितने लोग देख रहे हो डेली तीन हजार चार हजार पाँच कैसे कैसे डेथ हो रही है ठीक है तीन तीन साढ़े तीन लाख इंडिया में डेथ की केस पहुँच चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि अभी रुकेगी क्या होगी भगवान जाने ठीक है हाँ रुक सकती है किस अगर सभी लोग वैक्सीन लगवा ले तो ठीक है तो आप लोग सपोर्ट करें गवर्नमेंट को भी और आप लोग फैमिली को सपोर्ट करें फैमिली को एक्टिव बनाएं कि नहीं आप सभी टीका लगवाएं क्योंकि हम आप देखें आज के सर हम लोग जानते हैं कि पता है एक तरह से आप लोग इसको जो भी समझिए लेकिन एक तरह से ये भी जान लीजिए डिजीज है ठीक है क्या है डीजीज एक बीमारी है ऐसे कोई चीज़ का मान लीजिए अगर Hmm, कुछ भी जैसे अगर किसी को शुगर हो गया किसी को टी हो गया तो उसकी एक दवा आती है कि नहीं आप इतना दिन खाओगे पियोगे ऐसे आप ठीक हो जाओगे तो वैसे एक तरह से ना ये भी एक बीमारी है ठीक है अब इसको बीमारी मान के दवा ले लो बस बात खत्म इतना क्यों से उठाना कि नहीं लगाने से हो जाएगा वो कुछ लोग तो मेरे दोस्त बोले कि तुम वैक्सीन मतलब तुम टीका लगा लगवा लिए हम क्या हाँ। तो बोलेंगे दो साल बाद चल दोगे ठीक है ऐसे ऐसे बात भी सुनने को मिला तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है आप वैक्सीन लगवाएं आप हेल्थ रहेंगे ठीक है और अगर आप लोग सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा या मैसेज अच्छा लगा हो ठीक है तो जरूर लाइक कर देना जरूर सभी को शेयर करवा देना क्यूं? क्यों क्योंकि ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा नहीं पड़ेगा और स्टार्टिंग में हम जो जो भी पॉइंट पढ़ा दिए हैं आप लोगों को देखने के लिए कि ये मैसेज जरूर देख लीजिएगा ठीक है चलिए आई होप आप लोगों को ये जो मैसेज है बहुत अच्छा लगा होगा ठीक है तो जरूर लोगों को शेयर करिएगा थैंक यू सो मच